केवल आप दिमाग लगाना पेपर में, तो आप वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाएं। क्यों हो जाते हैं वार्षिक परीक्षा में फेल? क्योंकि आपका कोई यहाँ पे धुरंधर पैदा नहीं हुआ आज तक कि जो बोर्ड परीक्षा का पेपर दे दे, और कोई देता भी नहीं, और आप फेल हो जाते हैं। फिर आपको धक्का लगता है ऐसे, बोले कि ये क्या हो गया, और फिर आपकी बेइज्जती होती है स्कूल में, गांव में, शहर में। तो आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, नहीं तो फेल होने के बाद आप जरूर देखेंगे। अब आप ऐसा कह रहे होंगे, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे फिर ये वीडियो देखेंगे? तो यहाँ पर हम आपसे बताने वाले हैं कि देखो, आपकी त्रिमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और खतरा चालू हो गया है, यानी कि अब आपको फेल करवाने के लिए सब कोई जुड़ गया कि आप फेल हो जाएं। अब आप कह रहे हो सर कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से बातें जा रही हैं। तो कोई बात नहीं है, जाने दो, अब हम आपको समझाते हैं क्यों। यहाँ पर अब मैंने देखा YouTube पर आपकी त्रिमासिक परीक्षा चालू होने वाली है ना, मैं बता दूंगा कब चालू होना है, नंबर जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है त्रिमासिक के, ये सब अपन बाद में बात कर लेंगे, जो अपना टॉपिक है वो अपन बात कर लेते हैं। देखो खतरा चालू हो गया है। वीडियो में आज मैंने देखा कि एक वीडियो डली थी कि भोपाल से मैं पेपर लेकर आया हूँ, इसको पढ़ लो, लीक हो गया है और आप 100 में 100 पेपर इसमें फंसेगा और पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप वीडियो ओपन करते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें ही बताई जाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका पिछले साल का पेपर है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा इसमें हमने कोई भी नहीं बताया है। तो वो चलता है, वो एक क्लिक बेट कहलाता है, जैसे मैंने आपके साथ किया, यानी कि वीडियो को वीडियो में बुलाने के लिए ऐसा करना पड़ता कि आप लोग वीडियो देखो, है ना। तो वो बात अलग है, सुन लिया अपन ने, कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लिक बेट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपके साथ क्या होगा कि आपकी जो त्रिमासिक परीक्षाएं होने वाली हैं, जब आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, टाइम टेबल आ जाएगा, फिर यूट्यूब पर पेपर डालते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ही पेपर यहाँ पे डाल दिए अपने चैनल पर, डाल दिए त्रिमासिक पेपर का, और वो वैधता भी है वही आता, जैसे आपका पेपर है पहले हिंदी का, अब पेपर हिंदी का है, वो पेपर भाई साहब 100% बिद गया, 100 में 100 नंबर का आ गया। तो फिर आप क्या करते हैं, विश्वास बना लेते हैं, भाई को चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप क्या सोचते हैं कि अब हमारा बढ़ियल है, अब हर पेपर तो बिदते ही हैं, अब हम इससे पढ़ेंगे, चैनल से बेहतरीन पेपर लेंगे और मस्त लिख कर आएंगे, 100 में 100 नंबर लाएंगे। ये आप गलती यहाँ पर करने वाले हैं, इससे ये समझ लेना आपको कोई नहीं रोक सकता फेल होने से, कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे अभी बच्चे फेल हुए ना, कोई रुक जाना का डाल रहा है, कोई सप्लीमेंट्री का डाल रहा है, कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हुआ ना, कक्षा 11 में एडमिशन हुआ, किसी में नहीं, भाई साहब भटकते फिर रहे, रो रहे, ऐसे आपके साथ हो हाल होगा अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं एंड तक, है ना। तो हम बात कर लेते हैं कैसे क्या आज के इस वीडियो में होता है आपके साथ, कैसे आप बच सकते हैं इससे, है ना। तो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि आपको बचना कैसे है और इससे होता क्या है। जैसे मान लो आपकी प्री बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, जैसे 19 सितंबर से सब कोई कह रहा है, क्योंकि लोक संचालन ने कहा है कि आप 19 तारीख के पहले पहले आप लोग नामांकन कर लीजिए, स्कूल वालों से वो कह रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 19 तारीख या 19 के बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, और अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट होंगे पेपर डालना स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब पर, और वो पेपर बिदते भी हैं और फंसते भी हैं, और आप पढ़ के भी जाते हो, नंबर भी आते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप वो तो उनका तो डालना काम है यार, है ना, वो तो डालेंगे, लेकिन आप तो समझदार हो। इससे देखो होता क्या है, पहले आपकी ये त्रिमासिक परीक्षा होंगी, कौन सी होगी, त्रिमासिक परीक्षाएँ होंगी, यहाँ पर कौन सी होंगी, त्रिमासिक परीक्षाएँ होंगी। मान लो ये आपकी क्या है, पहली छत है, फिर आपकी होगी अर्धवार्षिक, ठीक है, क्या होगी, अर्धवार्षिक पेपर होगा, ठीक है, अर्धवार्षिक की जो परीक्षाएं होंगी वो मान लो आपकी दूसरी छत है, ठीक है। इसके बाद आपकी होंगी प्री बोर्ड, या प्री बोर्ड छोड़ दो, आप सीधे होंगी वार्षिक परीक्षा होंगी, ये आपकी तीसरी मंजिल है। अब आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो त्रिमासिक परीक्षा है इसमें तो हमें पेपर मिल गए, हमें 100 में 100 हमारे नंबर आ गए। अब यहाँ पे जो पहली जो छत है इसको चढ़ने के लिए भाई साहब सीढ़ी लगी हुई है बहुत सारी, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको पेपर मिल गया तो सीढ़ी क्यों चढ़ेंगे आप, आपको तो सीधे लिफ्ट से छत में जाना है ना, ये आप चढ़ गए तो ना आपको सिलेबस याद हुआ, ना आपने कोई क्वेश्चन याद किए, केवल आपने 25 क्वेश्चन याद किए जो उसने 12 बजे के बाद दिए, या मान लो आपको मिल गया एक दिन पेपर पहले, तो आप पढ़ते नहीं हैं, आप क्या करते हैं 25 क्वेश्चन रटते हैं और पेपर दे आते हैं, और रिजल्ट खुलता है तो 100 में 100 नंबर आते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने
अनुभव नहीं लिया, सब सीढ़ियों का अनुभव लेकर आप छत में नहीं चढ़े, आप लिफ्ट से चढ़े या आपने, आपको किसी ने वहाँ पे छोड़ दिया छत पे, आपकी उसमें कोई मेहनत नहीं है, आपने केवल 15 मतलब 2-4 घंटे बस मेहनत की है, और ना आप फिर सिलेबस तैयार करते हैं, ना क्वेश्चन और अधिक पढ़ते हैं, केवल इसी के भरोसे रहते हैं, फिर आपका पूरा जीवन यहीं से पहली सीढ़ी असफलता की यहाँ पर आप चढ़ गए हैं, ये समझ लेना। फिर बच्चे के मन में क्या आता है कि जब हमें त्रिमासिक के मिल सकते हैं तो क्या अर्धवार्षिक के नहीं मिलते, मिल सकते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। तो आप जिस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो उस चैनल पर दोबारा जाओगे, वो पेपर डालता है, और आप भाई साहब इसके लिए भी छत जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, गए आप और आपको सीढ़ी से कोई मतलब नहीं है, आपको पेपर मिलेगा ना आप सिलेबस से मतलब है, ना आपको क्वेश्चन से मतलब है, ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, आपको तो केवल जो 25 नंबर मिलना है पेपर में पूरा छपा छपाया उसको रट के जाना, पेपर ले आना है, और वार्षिक में आपके 100 में 100 नंबर आ जा, मतलब कि अर्धवार्षिक में जो पेपर होगा पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। अब आपको कोई ना यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पे अपने 25 क्वेश्चन याद किए, यहाँ पे 25 क्वेश्चन याद किए, 50 क्वेश्चन आपको अभी टोटल याद है, 50 क्वेश्चन बस। अब आपका यहाँ पे क्या होगा, आपने 50 क्वेश्चन याद किए हैं, क्या आप वार्षिक परीक्षा में पास हो जाएंगे, ये बताइए। लोग यार 9-9 घंटे रोज पढ़ते हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, वो परसेंटेज नहीं बना पाते, हाँ जो मेहनत भी करता, कई बच्चों की सप्लीमेंट्री भी आ जाती है, और आप 50 क्वेश्चन याद करके पास हो जाएंगे, ये आपके साथ सबसे बड़ा खचरा हो रहा है भाई साहब। और जो कोई ऐसा करता है, करने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझदार हो, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, क्योंकि जिन बच्चों के पास मोबाइल अभी नया नया आया है, जैसे कोई बच्चा 9 में पढ़ता चाहे 10 में चाहे 11 चाहे 12 में, मोबाइल तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है, तो उसको इसके बारे में कोई पता नहीं है, उसको तो लगेगा यार जब पेपर मिल रहा है तो लेना चाहिए, क्या गलती है इसमें, है ना, उनको एक लगता है क्या गलती है, पेपर दे रहा हम याद कर रहे, उनको तो समझ में आना नहीं है, लेकिन जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं वो तो ऐसा नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा करेंगे, है ना। तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम आपको त्रिमासिक परीक्षा की तैयारी करवा ही रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, साथ में हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है, वो बात अलग होती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीधे आप पेपर ही दे रहे हो, क्या मतलब है उसका, हम नहीं कहेंगे कि ये 25 में 25 भी देंगे क्वेश्चन है, हम देंगे नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिद गए तो बाबा, नहीं बिदे तो बाबा, आप अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने अंदर झांक कर पढ़िए कि हमने सही तैयारी की है कि नहीं की है, कि हमने पेपर ही रट के जाना है, तो भाई साहब आप पेपर रट के जाना, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ना आप अपना सिलेबस तैयार करना, ना आप अपना एक्स्ट्रा स्टडी करना, केवल आप दिमाग लगाना पेपर में, तो आप वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाएं। क्यों हो जाते हैं वार्षिक परीक्षा में फेल, क्योंकि आपका कोई यहाँ पे धुरंधर पैदा नहीं हुआ आज तक कि जो बोर्ड परीक्षा का पेपर दे दे, और कोई देता भी नहीं, और आप फेल हो जाते हैं, फिर आपको धक्का लगता है ऐसे, बोले ये क्या हो गया, और फिर आपकी बेइज्जती होती है स्कूल में, गांव में, शहर में, मम्मी पापा मोहल्ला वाले जब ताना देते हैं ना, जब पता चलता कि यार अगर हम ये गलती ना करते ना ये, तो आज की डेट में यहाँ पे टिक लगा होता पास, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे फेल, ठीक है, क्या आएगा, फेल आएगा, ये ऐप है भाई साहब, ठीक है, ऐप फेल आएगा रिजल्ट, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यार आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हज़ारों मैसेज यार DM पे डले हैं, सर हम फेल हो गए, किस कारण हुए, हमने पूछा, बस एक कारण, सर हमने त्रिमासिक और अर्धवार्षिक पेपर हमने उससे पढ़ा था और हमने तैयारी नहीं कर पाए, हमें ऐसा लगा कि हमें वार्षिक पेपर भी मिलेंगे, ठीक है, तो वार्षिक पेपर जब मिलेंगे तो उनको ऐसा लगा कि यार बस हम तो पास हो जाएंगे, हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, और वो मिलते नहीं है, कोई दे नहीं पाता है, तो फेल हो गए बच्चे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, इन चक्कर में ना पढ़ें, आप अपनी बढ़िया सिलेबस तैयार करें, आप अपने घर में पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग जाए, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, अगर देखो करो तो वीडियो देखना, नहीं तो नहीं देखना, लेकिन ये गंदी हरकत नहीं करना है अपन को, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बकाया आपका जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा त्रिमासिक परीक्षा का टाइम टेबल का, सबसे पहले डाल दिया जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके हित में है सबसे पहले मैं डालूंगा, है ना, कोई अपन को फेक यहाँ पे डालना ही नहीं है, बकाया जो डालता है डालने दें, बकाया आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और आपकी पढ़ाई भी यहाँ पे चालू कर दी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।